नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फूड डायरीज में। आज हम एक झटपट ब्रेकफास्ट रेसिपी बनाएंगे। फ्रेंड्स, पोहा तो आपने अक्सर खाया ही होगा, पर हर स्टेट में अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। एक्चुअली आप अपने तरीके से वेरिएशन दे सकते हैं। तो चलिए, मैं कैसे बनाती हूँ आज मैं आपसे वही शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए हमने क्या क्या लिया है ये सब आप देख लीजिए। हमने जो जो लिया है ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे डालते जाऊंगी और साथ साथ बताते जाऊंगी। तो चलिए, समय को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। तो हमने इसके लिए ये पोहा लिया है सूखा, इसको कुछ लोग चिवड़ा भी बोलते हैं। तो इसको हमने अच्छे से 2 से 3 पानी से धो लेना है। तो इसको हम एक बर्तन में शिफ्ट कर लेते हैं और इसको सबसे पहले हम धो लेते हैं। और ये धोकर हमने छन्नी में डाल दिया है। अक्सर लोगों को शिकायत रहती है कि हमारे पोहे खिले खिले नहीं बनते, तो याद रखिएगा आपको सिर्फ इसे धोना है, सॉक नहीं करना है, वरना बिल्कुल घुल जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपके खिले खिले बनेंगे। तो गैस को ऑन करते हैं और ऑन करके हमने एक कढ़ाई रखती है और उसमें थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे। देखिए, इसमें बिल्कुल ज़रा सा ऑयल डालकर हम ये सबसे पहले ये मूंगफली को, पीनट को फ्राई कर लेंगे, क्योंकि इसको हम पोहा के ऊपर डालेंगे। ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। आप चाहें तो मूंगफली को ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, बट हम इसको हल्का सा ऑयल डाल के फ्राई कर रहे हैं। और ये मूंगफली हमारी फ्राई हो गई है, तो हम इसको एक प्लेट में शिफ्ट कर देते हैं और अब इसमें थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे हम। और ये हमारा ऑयल गरम होने आया तो हम इसमें राई डाल देंगे। ये इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। राई चटकने लगे तो थोड़े से हम सौंफ डालेंगे इसमें और साथ ही में हम कढ़ी पत्ता डालेंगे। कढ़ी पत्ता का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। हमने चौंक में राई, सौंफ और कड़ी पत्ता डाला और हमने एक अनियन लेकर बड़ा कट कर लिया था, चॉपर में चॉप कर लिया था, तो इसको भी डाल के हम ट्रांसलूसेंट होने तक इसको फ्राई करेंगे। और अनियन डालते ही हम थोड़ा सा तो सॉल्ट हम इसके साथ डाल देंगे और थोड़ा सा हमने जो ये पोहा भिगो कर रखा था थोड़ा सा इसमें डाल देंगे। और इसको हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा ही करना है। साथ में हम इसमें, मैंने एक बॉइल्ड पोटैटो लेकर इस तरीके से चॉप कर लिया था, आप रॉ भी लेकर पील करके इसमें डाल सकते हैं। तो मैं आलू पोहा बनाने जा रही हूँ तो ये आलू भी इसमें जाएगा। बच्चों को ये आलू वाला बहुत पसंद आता है। साथ ही में हम थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। और अब हम पोहा ऐड कर देंगे। ये जो हमने सॉक करके रखा था उसको हम ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से टॉस कर देंगे। और हमने ये काली मिर्च ली है, ब्लैक पेपर पाउडर लेना है आपको। मैं लाल मिर्च का इसमें इस्तेमाल नहीं करूँगी। और साथ ही में हमने ये 1.5 स्पून शुगर लिया है और मैंने एक लेमन का ये जूस निकाल कर रखा था, वो भी इसी में ऐड कर देंगे हम और अच्छे से इसको मिला देंगे। और इस कढ़ाई के नीचे हम थोड़ी देर ये नॉर्मल जो हमारा रोटी का तवा होता है उसको रख देंगे और जिससे हमारे पोहे बिल्कुल खिले खिले बने, बिल्कुल भी आपस में चिपकेंगे नहीं।
अब हम क्या करेंगे, हमने ये ग्रीन चिली चॉप करके रखी थी एक स्पून भर कर, हम इसको भी इसी में ऐड कर देंगे। हरा धनिया हम ऊपर से डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिला देंगे और इसको एक सेकेंड के लिए ढक देंगे। और नीचे देखिए तवा रखा है, ऊपर से ढक दिया है, तो आपके पोहा मस्त बनने वाले हैं, बिल्कुल खिले खिले। चलिए एक मिनट हो गया है, गैस ऑफ कर देते हैं और लिड को हटा के देख लेते हैं। और ये देखिए हमारे पोहा कितने खिले खिले बने हैं, ये देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपके आपस में। तो चलिए इसको सर्व करते हैं। तो ये पोहा मैंने प्लेट में ले लिया है, ऊपर से आपको पसंद है ग्रीन चिली तो और डाल लीजिए। और ये चॉप्ड अनियन डालेंगे हम और ऊपर से हमने ये पीनट फ्राई करके रखी थी इसको डालेंगे। और यहाँ पर नमकीन का बहुत चलन है तो ये मैंने लौंग के सेव बोलते हैं इसको हमने लिए हैं, आप कोई सी भी नमकीन डाल सकते हैं। अब आप चाहें इसके ऊपर अनार के दाने भी डाल सकते हैं। और ये ऊपर से धनिया से गार्निश करके ये लीजिए हमारा पोहा प्लेट रेडी हो गया है। कितना झटपट है ना बनाना, ये 5 से 6 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए आप भी ट्राई करें और अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ ज़रूर करें आप सब्सक्राइब, इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। और आप सुजेस्ट करें और आपको क्या दिखाऊं, ब्रेकफास्ट रेसिपी या फिर मेन कोर्स क्या दिखाया जाए, ये आप हमें सुजेस्ट करें। तो चलिए तब तक एंजॉय करें आलू पोहा और जल्द मिलते हैं फिर एक और नई रेसिपी के साथ।